नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ अजीबोगरीब जगहों की। जी हाँ दोस्तों, इस धरती पर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ गुरुत्वाकर्षण काम ही नहीं करता। ये जगह आज भी एक रहस्य ही बनी हुई है कि आखिर कैसे कोई जगह बिना गुरुत्वाकर्षण के हो सकती है, जबकि उसके आसपास की सभी जगहों पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। आज हम आपको ऐसी ही जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां ऐसा चमत्कार होता है। इनमें से कई जगहें भारत में भी हैं। इंडिया में ही कावले साद नामक एक रहस्यमय झरना है जिसे रिवर्स वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। ये झरना महाराष्ट्र में सिंहगढ़ किले के पास स्थित है। आपको बता दें कि इस झरने की सबसे खास बात यह है कि ये झरना नीचे गिरने की अपेक्षा आकाश की ओर ऊपर बढ़ता है। इस झरने को लेकर लोग कहते हैं कि ये कुछ एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है जो पानी के बहाव को गिरने से रोकता है और पानी हल्की हल्की बूंद बनकर ऊपर की ओर उठने लगता है। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हवा के भारी दबाव के कारण ऐसा होता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आपको एक और ऐसी जगह के बारे में बताते हैं जहाँ पर ग्रेविटी काम नहीं करती। इस जगह का नाम है मिस्ट्री स्पॉट। ये सांता क्रूज कैलिफोर्निया में है। इस जगह को मिस्ट्री स्पॉट के नाम से जाना जाता है जो अमेरिका में है। इस जगह की खोज साल 1939 में हुई थी। तब खोजकर्ताओं को ऐसा लगने लगा था जैसे इस जगह पर कोई रहस्यमय ताकत छिपी हुई है, लेकिन जब गहराई से इसकी छानबीन की गई तो पता चला कि 150 वर्ग फीट के एक गोलाकार इलाके में गुरुत्वाकर्षण बल काम ही नहीं करता है। यहाँ पानी नीचे से ऊपर की तरफ बहता है, साथ ही अगर इंसान चाहे तो यहाँ बिना गिरे किसी एक कोण पर खड़ा हो सकता है। ये जगह वाकई अद्भुत है। कितना मजेदार है ना कि आप कहीं पर खड़े हो और आपको गिरने का कोई डर ही ना हो। दोस्तों, सेंट इग्नास मिस्ट्री स्पॉट भी बहुत रहस्यमय घटनाओं के लिए जाना जाता है। अमेरिका के मिशिगन में भी ऐसी ही एक जगह है जिसे सेंट इग्नास मिस्ट्री स्पॉट कहते हैं। इस जगह की खोज 1950 में हुई थी। जब कुछ लोगों की एक टीम इस जगह की जांच के लिए पहुंची तो उनके सारे उपकरण ही यहां आकर बंद पड़ गए। कई दिनों के बाद पता चला कि यहां 300 वर्ग फीट के इलाके में गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है। इस जगह पर खड़े होकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी अंतरिक्ष यान में हो। बिल्कुल जीरो ग्रेविटी जैसा फील होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं दंग कर देने वाली जगह के बारे में। ओरेगॉन भंवर एक ऐसी जगह है जो कि अपनी अजीब घटनाओं की वजह से एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। आपको बता दें कि ओरेगॉन भंवर में एक शानदार जगह है जहां लोग अपनी ऊंचाई बदल सकते हैं। इस जगह के गाइड का कहना है कि ये विभिन्न शक्तियों की वजह से होता है जो शरीर की आणविक संरचना बदलते हैं। यही नहीं, यहाँ के लोग इसे भूतिया जगह के नाम से जानते हैं। और तो और, जब घोड़ों को इस जगह के पास लाया जाता है तो घोड़े यहाँ नहीं आते हैं और दूर ही रुक जाते हैं, क्योंकि शायद उन्हें भी यहाँ अजीब अनुभव होता है। ये जगह रहस्यमय होने के साथ साथ थोड़ी डरावनी भी है। अगली जगह है द हूवर डैम, यूनाइटेड स्टेट्स। हूवर बांध पूर्वी अमेरिका में मुख्य पर्यटक आकर्षणों में शामिल है। आपको बता दें कि ये बांध भी एक ऐसी जगह है जहां पर काफी हद तक गुरुत्वाकर्षण कुछ चीजों में काम नहीं करता। यहां पर जब खड़े होकर बोतल का ढक्कन खोलकर पानी को बांध पर गिराया जाता है तो पानी नीचे नहीं गिरता बल्कि ऊपर की ओर उठने लगता है। इस रहस्यमय घटना को लेकर कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका निर्माण इस तरह से हुआ है कि यहाँ हवा का प्रवाह बहुत मजबूत होता है जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ उठता है। देखा दोस्तों आपने, संसार में कितनी अद्भुत जगह है। आगे बढ़ते हैं, आपको और भी रहस्यमय जगहों से रूबरू कराते हैं। जीजू मिस्टीरियस रोड दक्षिण कोरिया में स्थित है जो ऊपर की तरफ ढलान जैसी लगती है, लेकिन ये वास्तव में थोड़ी नीचे की ओर झुकी हुई है। इस सड़क पर जब कोई जाता है तो वो धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ता प्रतीत होता है, लेकिन ये सड़क 3 डिग्री तक झुकी हुई है और 100 मीटर तक फैली हुई है। ऐसा ऑप्टिकल इल्यूशन की वजह से होता है। ये बहुत ही मजेदार जगह है। अगली जगह है एंटी ग्रेविटी हिल, कालो डूंगर कच्छ, गुजरात, इंडिया। कालो डूंगर या ब्लैक हिल एक ऐसी जगह है जहां पर वाहन तेज रफ्तार से चलने लगते हैं। यहां पर जब गाड़ियों का इंजन बंद कर दिया जाता है तो अन्य पहाड़ियों की तुलना में यहाँ नीचे उतरने में वाहन की स्पीड काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से चालक वाहन को ब्रेक लगाकर उतारते हैं।
यहाँ एक जगह ऐसी भी आती है जहाँ पर अगर वाहन का इंजन बंद करके खड़ा कर देंगे तो वो विपरीत दिशा में अपने आप ऊंचाई की ओर बढ़ने लगेगी। कॉस्मोस मिस्ट्री एरिया रैपिड सिटी। इस जगह पर चलते हुए आपको कुछ पेड़ दिख जाएंगे जो रहस्यमय तरीके से इस मिस्ट्री एरिया की तरह झुके हुए हैं। मिस्ट्री स्पॉट की तरह भी आप यहाँ एक एंगल पर बिना गिरे खड़े हो सकते हैं। साथ ही साथ वही सब भी दिखता है, जैसे कि बाल का ऊपर की तरफ जाना, और इतना ही नहीं ऊंचाई पर जाने पर जगह भी बदलती हुई नजर आती है। ये बहुत डरावनी जगह है। माउंट अरक्टास टर्की। माउंट अरक्टास टर्की की सीमा से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां पर अगर आप अपने कार के इंजन को बंद कर दें या न्यूट्रल कर दें तो वो अपने आप ऊंचाई की ओर बढ़ने लगती है। आपको बता दें कि यहां पर नदियां भी गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के खिलाफ बहती हैं। अरक्टास माउंट एक ऐसा स्थल है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल भी काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों, ऐसी ही एक जगह भारत में लेह में है जिसे मैग्नेटिक हिल या चुंबकीय पहाड़ी कहा जाता है। लेह कारगिल राजमार्ग पर लेह शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा हिस्सा है जिसे कि मैग्नेटिक हिल या चुंबकीय पहाड़ी कहा जाता है। इस हिल के बारे में ये धारणा है कि जहां अन्य किसी भी पहाड़ी से कोई गाड़ी नीचे की ओर जाती है, वहीं इस पहाड़ी में कुछ तो ऐसी बात है जो कि गाड़ियों को ऊपर की ओर खींचती है। इस कारण ये जगह लोगों को बहुत आकर्षित करती है। लोग इस खूबी को देखने ही यहाँ आते हैं। दरअसल लद्दाख का लोकप्रिय मैग्नेटिक हिल एक साइक्लोप्स हिल है। यहाँ वाहन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर की ओर जाते हैं और एक स्थान पर खड़े होने पर पहाड़ी पर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इस घटना का अनुभव करने के लिए कार को मैग्नेटिक हिल रोड से कुछ मीटर आगे पीले बॉक्स में न्यूट्रल गियर में पार्क करते ही कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने आप चलने लगती है, जैसे कोई कार को पीछे खींच रहा हो। पर्यटकों के लिए मैग्नेटिक हिल घूमने जाने का सबसे अच्छा समय जुलाई से सितंबर तक का होता है, क्योंकि उस समय मैग्नेटिक हिल की यात्रा आसान होती है और मौसम भी सुहावना होता है, जिसके कारण आपको यहाँ के सुंदर दृश्य, पहाड़, लोगों की जीवन शैली और बेहतरीन भोजन का मजा मिलता है। मगर सर्दियों के मौसम में मैग्नेटिक हिल लद्दाख जाने से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय बर्फबारी के कारण यहाँ के तापमान में काफी गिरावट होती है, जिससे कई सड़कें बंद हो जाती हैं, जो लद्दाख यात्रा में आपको परेशान कर सकती हैं। तो आखिरकार पृथ्वी पर अजीब दुनिया में कई समय विश्वासों और अंधविश्वासों की कोई तार्किक तोड़ क्यों नहीं मिलता है? कोई कहता है कि पहाड़ी में महाशक्तियां हैं जो स्वर्ग तक पहुंचाती हैं। चुंबकीय पहाड़ी के पीछे एक नहीं बल्कि दो वैज्ञानिक बातें छिपी हुई हैं जो इस हिल को आकर्षक बनाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र सिद्धांत कहता है कि पहाड़ी एक मजबूत चुंबकीय शक्ति छोड़ा करती है और उसके कारण ही वो सीमा के भीतर खड़े वाहनों को अपनी ओर खींचती है। कई भारतीय वायु सेना के अधिकारियों और पर्यटकों ने इस सिद्धांत को सही कहा है। वास्तविकता या ऑप्टिकल भ्रम में चुंबकीय पहाड़ी में रहस्यमय चुंबकीय गुण है जिससे दुनिया भर से पर्यटक आकर्षित होते हैं। दूसरा सिद्धांत ऑप्टिकल भ्रम सिद्धांत बताता है कि ये चुंबकीय पहाड़ी अवरोही और बढ़ते इलाके के कारण होने वाला एक ऑप्टिकल भ्रम है। सड़क की बनावट और नजारा क्षितिज की वजह से नीचे की ओर ढलान बनाती है, उसके कारण यहाँ सीमा के भीतर खड़े वाहनों को अपनी ओर खींचती है। कुछ भी हो, ये हिल्स एक बार यात्रियों को देखने योग्य जरूर है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।